Hello class, how are you? Today we discuss the some important points of the median. They are the different and special case. Right, so let's start. This is not mostly the textual sum. Okay, calculate the median of the following data. Okay, chalo diye diya hai. Mark karo. ओके मार्क्स ऑब्टेन देखो बिलो 10 मार्क्स बिलो 20 मार्क्स बिलो 30 मार्क्स बिलो 40 मार्क्स बिलो 50 बिलो 60 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर देखो 6 15 29 41 60 एंड 17 बच्चों इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो आपको दिख रही है ना वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है तो कभी भी ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं होता दैट मीन्स आपको ये समझना है कि ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है समझ रहे हो क्या है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आपको पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है ओके तो जब बिलो देते हैं तो आप मान लो ये अपर लिमिट है क्या है अपर लिमिट तो आप यहाँ पे लिखोगे बिलो 10 तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि पहला आएगा 10 ओके फिर 20 फिर 30 ओके फिर 40 फिर 50 एंड 60 चलो राइट अब देखते हैं बिलो 10 तो क्लास क्या होगा 0 टू 10 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 40 टू 50 एंड 50 टू 60 तो देखो हम नॉर्मल फॉर्म में आ गया बिलो 10 तो 0 टू 10 बिलो 20 10 टू 20 बिलो 30 20 टू 30 ऐसे चलो क्लियर बट फ्रीक्वेंसी ओके फ्रीक्वेंसी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए तो कोई बात नहीं टोटल फ्रीक्वेंसी 70 ये बहुत क्लियर है हमारे लिए तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज रहेगी तो मैं यहाँ पे 6 एज इट इज रख रहा हूँ देखो ओके अब यहाँ से आपको पीछे से जाओ तो 70 माइनस 60 कितना आ जाएगा 10 60 माइनस 41 ओके तो 60 माइनस 41 कितना होगा 19 तो 19 आप यहाँ पे लिखो फिर 41 माइनस 19 29 41 माइनस 29 सो 11 माइनस 9 कितना होता है 2 तो ये 12 उसके बाद 29 जो आपको दिख रहा है ना तो 29 माइनस 15 सो कितना जाएगा 14 ओके और 15 माइनस 6 कितना जाएगा 9 ओके चेकिंग के लिए टोटल करना पड़ेगा n या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक करो तो 9 11 एंड 20 30 जीरो थ्री कितना आ जाता है 17 राइट तो यस 17 यहाँ पर भी है कोई प्रॉब्लम नहीं अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही है आप चेक करोगे तो यही आएगा 6 प्लस 9 15 15 प्लस 14 29 29 प्लस 12 41 41 प्लस कितना है 19 तो 60 होगा 16 प्लस 10 17 राइट मैच भी हो रहा है समझ में आया तो बिलो 10 है अबो भी आ सकता है बच्चों अबो है तो आपको ओके लेफ्ट साइड हैंड लेना है जैसे यहाँ पे 10 20 30 अपने राइट साइड पे लिया अपर लिमिट है अगर अबो होता है तो लोअर लिमिट इंडिकेट करके आपको क्लास बनाना है उसमें ये प्रोसीजर अलग होगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम और नीचे मिनिमम होगा ओके यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है इतना याद रखना है आपको चलो क्लियर अब मीडियन क्लास ढूंढना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो सीधी बात है बच्चों एन कितना है 17 राइट तो इम्प्लाइज दैट एन बाई टू लिख सकते हो तो एन बाई टू कितना आ गया 35th ओके तो 35th कहाँ पे आ रहा है चेक करो चलो सी एफ आई के टेबल में 41 वाले में किस में आ रहा है 41 वाले में ओके तो इसको इंडिकेट कर देते हैं ओके पूरा जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से ही हमें पता चल जाता है तो ए वाला सॉरी 41 है ये वाला ओके सो दे डिसाइड तो चलो चेक कर लेते हैं अब वैल्यूज वाइज तो बताओ चलो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सो देयर फॉर मीडियन क्लास बच्चों ओके मीडियन क्लास कितना आ गया 30 टू 40 राइट
So therefore, L lower limit of median class 13, frequency of lower median, तो फिर ए आपका हो गया F, ये आपको मिल गया CF, तो F मिला हमें 12, ओके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 29, राइट। तो क्लास इंटरवल कितना है बिलो 10, तो इक्वल लेके क्या समझना है 10। चलो क्लियर, इतना हमारे पास क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला फॉर मीडियन, ओके सो मीडियन इज इक्वल टू क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ओके इन टू एच। सो नाउ इज इक्वल टू एल कितना है 3030 प्लस एन बाई टू हमारा कितना आया था 35 माइनस सी एफ कितना है 29 डिवाइड बाय एफ कितना है, एफ है 12, एच कितना आया 10। तो इज इक्वल टू 30 प्लस 59 तो 6/12 और इनटू 10, राइट ओके। सो मीडियन इज इक्वल टू 30 प्लस 6/12 तो 1/2 इंटू 10, आपने कट कर दिया A5। सो देयरफॉर मीडियन ऑफ द डेटा इज इक्वल टू 35। सो यू गॉट द आंसर। चलो ये आपका आंसर मिल गया यहाँ पे आपको, तो आगे बढ़ते हो नंबर टू पे। चलो नंबर टू क्या है, सेम टू सेम सब, फाइंड द फॉलोइंग मीडियन ओके फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो चलो क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, आपको क्या याद रखना है, यस बिलो, बिलो मतलब अपर लिमिट। तो चलो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे अपर लिमिट, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ओके। तो क्लास हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। चलो फ्रीक्वेंसी लाना है, क्या सिखाया था पहले 12 रख दो ओके और नीचे से सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ले जाओ। चलो 200 माइनस 164 ओके। तो पहले तो सीधी बात है 36, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाली जो वैल्यू आई वो क्या है 36, आसान रहता है और कुछ नहीं। 160 तो 14 माइनस 6 कितना हुआ 8, 1 कैरी फॉरवर्ड तो 5 माइनस 1 4 ओके, तो 48 आया ओके। 160 एंड 92 तो 4 एंड 2 तो ये आपका आ गया 24 ओके 92 माइनस 18 सो दिस वन इज 12, 80 माइनस 57 ओके तो 23 कितना जाएगा 23, तो आप यहाँ पे लिख रहे हो 23। फिर 57 माइनस 32 सो आ गया आपका 25 एंड 32 माइनस 12 दिस वन इज 20। चलो क्लियर, अब सी एफ आई तो वही रहेगी, चेक भी कर लो 12 फिर 32 प्लस 25 तो 57 प्लस 23 डेट मीन्स 80 प्लस 12 92 प्लस 24 116 प्लस 164 48 प्लस 36 करोगे तो 200, राइट। सो एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 200, राइट। तो सम के हिसाब से हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा मीडियन, तो यहाँ पे एन बाय टू इज इक्वल टू क्या आ गया 200/2 इज इक्वल टू 100 ऑब्जर्वेशन। तो 100 कहाँ पे आ रहा है, 116 पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है बच्चों 116 पे, राइट ओके। तो 116 तो बिलो 60 वाले के अंदर ओके, तो यहाँ पे हमें तो इसकी ज़रूरत है ओके। चलो तो ये हमें देता है सी एफ की वैल्यू, ये हमें एफ मिलेगा और मीडियन क्लास। चलो क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं अब
So, मीडियन क्लास हमारा आ गया 5260, सो एल इज इक्वल टू 50, सी एफ 92, एफ 24, एच क्लास इंटरवल कितना है 10। ओके सो अब मीडियन ढूंढेंगे, सो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। तो एल आपका कितना है 50, प्लस एन बाई टू कितना आया, तो आया 100, सी एफ कितना है 92 डिवाइड बाई 24 एंड इंटू 10। सो 50 प्लस इधर 8/24 इंटू 10 आपने कट कर दिया 3, सो देयर फॉर मीडियन इज इक्वल टू 50 प्लस 1/3 इंटू 10। ओके चलो आगे बढ़ा देते, सो यहाँ पे आपके पास आ गया, तो ये आप 50 लिख सकते हो 10/3, सो 3.33, तो यू गॉट द आंसर 53.33 इज अ मीडियन। चलो क्लियर, तो बस आपने फाइंड आउट कर लिया ये वाला बात करना है सिंपल। ओके तो फोकस खाली इसी के ऊपर आपको करना है। चलो अब जाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे, मीडियन के अंदर मीन के में अंदर देखा डेटा देखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एन 100 दे दिया, मीडियन 32 दे दिया। ओके तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि यहाँ पे मैं अब सी एफ लिख देता हूँ। ओके सबसे पहला काम, पहले एन 100 है, मीडियन 32 है। ओके तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मीडियन 32 है तो आपको क्लास तो मिल ही गया है, राइट। तो चलो सबसे पहले तो अपना है, तो यहाँ पे टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, राइट। कोई बात नहीं, टोटल क्या होगा, तो क्या F1 प्लस F2 प्लस 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 10 65 प्लस 75। अब आप जानते हो इज इक्वल टू क्या है, 100 दे दिया है सम के अंदर ही, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, कितना है 100। ओके चलो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, 100 यह 100। चलो सी एफ आई 10, F1 प्लस 10, F1 प्लस 35, F1 प्लस 65, F1 प्लस F2 प्लस 65 एंड F1 प्लस F2 प्लस 75, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके चलो अब सबसे पहला टारगेट आपका यहाँ पे मीडियन 32 है। ओके मान लिया दे दिया है, तो हमें यहाँ से तो मीडियन मीडियन क्लास की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, मिसिंग है तो पता ही चल जाता है। ओके क्या पता चल जाता है कि अगर 32 किस में आता है, 30 to 40 के बीच में, राइट। तो ए लाइन जो रेड लाइन इंडिकेट हो रही है वो हमारा मीडियन क्लास है, बिकॉज मीडियन इज 32, यानी ए आपका सी एफ हो गया। क्या हो गया बच्चों, सी एफ, सी एफ, और ए आपका हो गया एफ। चलो क्लियर फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले तो आपके पास है F1 प्लस F2 प्लस 75 इज इक्वल टू 100, राइट। अब मैं इसको F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 75 कितना हो गया 25, इक्वेशन नंबर। ओके सब कुछ है अब मेरे पास F, ओके CF मेरे पास है F1 प्लस 35 है। ओके एन बाई टू मुझे क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। एफ है वो क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी है वो 30, और एच कितना है 10 है,
चलो तो मीडियन की फॉर्मूला इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। तो एल कितना है बच्चों यहाँ पे आपका, एल हमारा लोअर लिमिट मीडियन क्लास 30 30। ओके एल लिख देते हैं 30 मिस्टेक्स नाउ। प्लस एन बाई टू 50 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है तो ब्रैकेट में एफ वन प्लस 35 लिखो। ओके अपॉन एफ एफ 30 30 है और एच जो है वो 10। 1010 आपने कैंसिल कर दिया है, इधर 30 प्लस 50 माइनस एफ वन एंड माइनस 35 डिवाइड बाय 3 राइट। चलो सो 30 30 प्लस 50 में से जाओ तो 15 माइनस एफ वन, बट मीडियन कितना दे दिया था आपको 32, नहीं है तो एक बार चेक कर लो। ओके मीडियन कितना है 32। ओके तो मीडियन यहाँ पे कितना है 32 32, इधर भी आप लिखोगे 32, तो इस साइड पे आ जाएगा तो 2, तो 15 माइनस एफ वन तो एफ वन इन साइड, सो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया 13 आपको मिल गया। कितना मिल गया बच्चों 30। ओके चलो आगे बढ़ते, ये तो काम आसान हो गया, अब एक बाकी है तो ढूंढ लेते हैं। बराबर ए 13 आ गया है। ओके राइट ओके ना आया तो एक बार फिर से चेक भी कर लो ताकि पता चल जाए हमारा सी एफ जो है वो ओके जो सी एफ आ रहा है ना हमारा सी एफ यहाँ पे तो नॉर्मली क्या होगा 15 32 बाय 3। हाँ हाँ दो इसमें इन सब के नीचे क्या था बाय 3 था, यानी आगे 3 लगा दो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा एफ वन 2 3 6। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले 6 फिर इसको रब कर देते हैं तो सीधी बात है कितना जाएगा 15 माइनस 6 9। एक फ्रीक्वेंसी मिल गई। ओके यू गॉट एफ वन इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, सो 9 प्लस एफ टू इज इक्वल टू 25 इम्प्लाइज दैट एफ टू इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, सो एफ टू इज इक्वल टू 16। ओके यू गॉट दिस। ओके वैल्यू कितना आसान है, बराबर है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इतना ही ध्यान रखना, छोटी मिस्टेक्स खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना हो। चलो सेम थिंग्स, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन इज गिवन द 24, द मीडियन 24 है तो मीडियन क्लास कितना आ जाएगा 20 to 30 राइट। ओके चलो ऐड कर दो तो 5 प्लस 5 यहाँ पे लिखते जाते 5 प्लस कितना हो जाएगा 30, एफ प्लस 30 फिर एफ प्लस 48 प्लस एफ प्लस 55 तो टोटल हो गया एफ प्लस 55। चलो क्लियर, कोई बात नहीं, एन पता नहीं है यहाँ पे इसलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो ये तो पता है। ओके तो के 20 to 30 के अंदर हमारा ओके चलो तो एफ तो एफ ही है तो सी एफ सॉरी हमें सी एफ ढूंढना है। ओके तो सी एफ हो गया 30, तो सी एफ कितना है बच्चों 30 और फ्रीक्वेंसी तो एफ ही है, एच इज इक्वल टू 10 है, लोअर लिमिट 20 है। So let's start the solutions, right?
तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। मीडियन कितना है 24, एल कितना है 20 प्लस एन बाय टू, तो एन बाय टू बच्चों एफ प्लस 55 एन है क्योंकि पूरा नहीं पता, बाय टू माइनस सी एफ, सी एफ कितना है तो सी एफ है 3030 ओके अपॉन एफ, तो एफ तो एज इट इज रहेगा, एन प्लस एच कितना है 10 ओके ए इस साइड पे आ जाएगा तो 4 हो गया बच्चों यहाँ पे राइट 20 साइड पे आ गया तो 4। अब देखो ए टू इधर मल्टीप्लाई और फिर नीचे चला जाएगा तो 2 इसके साथ है तो क्या होगा एफ प्लस 55 माइनस 60 डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए टू नीचे आएगा तो 2f एंड इनटू 10 अगेन क्या हो जाएगा ए टू इधर से कट तो इधर 5 आ जाएगा ओके चलो अब सो ए 5 आ गया बराबर है 5। अब क्या करना पड़ेगा 5 पहले इसका सिंप्लीफाई, ए 4 इस साइड पे आ जाएगा 4 के साथ है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4f इज इक्वल टू 5 इंटू एफ माइनस 5 स्प्लिट कर दो 4f इज इक्वल टू 5f माइनस 25 तो 25 इस साइड पे आ गया 5f माइनस 4f हो गया तो f इज इक्वल टू 25 दिस इज अवर मिसिंग फ्रिक्वेंसी राइट ओके समझ में आ गया। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम्स बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं तो टाइम नहीं लेते बट समझना पड़ता है राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ओके तब तक टिल द 9 बाय बाय।